एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप क्लियर कंसेप्ट। आज की जॉब की अपडेट, DSSSB की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। अप्लीकेशन फॉर्म, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो लास्ट तक जरूर देखने पर ही आपके सभी सॉल्व और डाउट यहाँ क्लियर होने वाले। चलिए डिस्कस करते हैं पोस्ट नेम की तरफ। तो यहाँ जूनियर इंजीनियर सेक्शन ऑफिसर, ये आपका पोस्ट नेम रहने वाला है। रेगुलर जॉब से इंजीनियरिंग की जॉब से इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सैलरी की बात करें यहाँ तो डिटेल वाइज सैलरी में यहाँ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको दोनों पोस्ट के लिए सेम सैलरी प्रोवाइड हो रही है। 9,300 से लेकर 34,800 प्लस आपको ग्रेड पे मिल रहा है। 4,200 रुपये ग्रुप बी के अकॉर्डिंग दोनों पोस्ट के लिए सेम सैलरी यहाँ प्रोवाइड है। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ तो टोटल 691 वैकेंसियाँ अवेलेबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो भी जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 575 वैकेंसी है। एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 116 वैकेंसियाँ अवेलेबल है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डायरेक्ट अप्लीकेशन फॉर्म का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पेज की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, आप वहां से जाकर टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहां तो कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, तो पहले पोस्ट के लिए जो भी जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए आपको BBTech सिविल इंजीनियरिंग फ्रेशर भी एलिजिबल है और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें यहाँ तो जिसमें BBTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर एलिजिबल है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। मतलब जो बी समझो ग्रेजुएट से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पे अगर इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास 2 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें इन्होंने क्लियरली मैंशन किया हुआ है। एंड इसमें जो भी एप्लीकेशन एज लिमिट की बात करें यहाँ तो 18 से 27 ईयर एज लिमिट रहने वाली है। रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। मतलब जो भी आपका CBT टाइप एग्जाम होने वाला है उसके मेरिट लिस्ट पर आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें यहाँ तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपये फीस पे करना है। वुमेन एंड EX सर्विसमैन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, PW, EX सर्विसमैन कैटेगरी के लिए आपको कोई भी फीस भरने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 29/12/2021 से एप्लीकेशन फॉर्म की रिलीज डेट है। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 10/1/2022 से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। एंड इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 9/2/2022 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ हम आप डेली जॉब के रिगार्डिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर देना। क्या पता आपके एक शेयर की वजह से ये नोटिफिकेशन किसी के काम आ सकती है।